गडलिंग, एडवोकेट सुरेंद्र गडलिंग की वाइफ. वैसे मुझे ज़्यादा बात करने की आदत नहीं है. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम फेसिंग द स्टेज. तो मैं सिर्फ सुरेंद्र के बारे में बात करना चाहूँगी. मेरे 20 साल के मैरिड लाइफ में मैंने हमेशा देखा है सुरेंद्र को गरीबों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए लड़ते हुए, और बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही क्या कहते हैं तो मेहनत से वो इन मतलब जो जो केसेस आती थी उनके तरफ, जो नक्सलाइट एरिया कहते हैं जैसे गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, नागपुर, ये एरिया को नक्सलाइट एरिया माना जाता है, और इसी यहाँ से उनके तरफ ज़्यादा से ज़्यादा केसेस आते थे. और जिनके केसेस आते थे मैंने उन लोगों को देखा है. बहुत ही गरीब लोग रहते थे वो, उनको ज़्यादा समझ नहीं होती थी. और जब वो नागपुर शहर में आते थे तो वो इतना डर जाते थे, वहाँ का रश, वहाँ के मतलब व्हीकल्स देख के, कि कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता था कि गाड़ी के सामने अगर बेल नहीं लगाया है तो ये गाड़ी आगे कैसे जा रही है. ऐसे मैंने लोगों को देखा है. ऐसे लोगों पे नक्सलाइट होने का जो दब्बा लगता था, या ऐसी कोई केसेस आती थी सुरेंद्र के तरफ, तो वहाँ से उन लोगों को सुरेंद्र छुड़ाते थे. और शायद यही चीज़ आज उनको जेल के अंदर लेके गई है. उन पे भीमा कोरेगांव का जो इल्ज़ाम लगाया गया है, हालांकि जब ये सब कुछ हुआ उस वक्त वो नागपुर में भी नहीं थे, वो किसी केस के सिलसिले में कलकत्ता गए थे, और यहाँ पे क्या हो रहा है उनको इस बारे में कुछ भी मालूमात नहीं थी. और जब 18 अप्रैल को जब हमारे घर में रेड हुई तो वो हमारे लिए भी शॉकिंग था कि ऐसा हमने क्या किया है कि हमारे घर में रेड हो रही है. और इतना 500 से ज़्यादा पुलिस, पूरा तामझाम जहाँ पूरा बस्ती में जैसे उन्होंने क्रिएट किया कि एज इफ ये किसी टेररिस्ट का घर है. लोग भी जानते हैं, 40 साल से उस एरिया में हम लोग रह रहे हैं, इसलिए सुरेंद्र को लोग जानते हैं कि वो एक बहुत ही शांत, बहुत ही लोगों मतलब एक हेल्पिंग नेचर का इंसान है, जो कभी किसी के झमेले में नहीं रहता है, सिर्फ अपने काम से काम रखता है. और ऐसे लोगों के घर में इतना सारा पुलिस का तामझाम, सो बहुत शॉकिंग था. एंड देन 6 जून को उनको अरेस्ट किया गया है. और ये जो भीमा कोरेगांव का जो भी इंसिडेंट हुआ, जिसके पीछे सब जानते हैं कि किसका हाथ है, भिड़े और मिलिंद एकबोटे का हाथ है, उसको स्टेट पुश नहीं कर रही, क्योंकि उन पे खुद सरकार का हाथ है, उनका सरकार का पूरा उनको सपोर्ट है, उनको हाथ नहीं लगा रही है. लेकिन जो लोग गरीबों के लिए लड़ते हैं, आदिवासियों के लिए लड़ते हैं, और उन्हीं पे नक्सलाइट का थप्पा लगा के आप उन्हीं को अंदर करते हैं, तो आज मतलब सोचने वाली बात है कि वाकई कोई इतना हिम्मत कर सकते, इसके बाद कोई आदमी हिम्मत करेगा क्या ऐसे गरीब लोगों की मदद करने के लिए या उनके केसेस लेने के लिए? आश्चर्य होता है. बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ये जो इनको रिलीज़ करने के लिए जो कुछ भी चल रहा है उसमें आप सपोर्ट कीजिए. और मेरे हस्बैंड ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके वजह से वो अंदर जा सकते हैं. और मतलब मैंने ये जब वो केसेस लेते थे, उन्होंने कई बार मुझे ये भी बताया है कि पुलिस ने कई बार उन्हें थ्रेट्स दिया है कि तुम इस तरह के केसेस लेते हो तो कभी ना कभी हम तुमको देख लेंगे, इस तरह से भी थ्रेट्स उनको मिलती थी. लेकिन कभी भी उन्होंने इस चीज़ की परवाह नहीं की और अपना काम बहुत ही ईमानदारी से और बहुत मेहनत से करते रहे. बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी.